हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो? अभी नहाए धोए तो नहीं है, हाँ गाड़ी पहले धुलवाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत गंदी हो गई है। और आप लोगों का प्यार जिस हिसाब से मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाऊंगा। दोस्तों ब्लॉग बनाने का जोश और सब्सक्राइबर्स की भूख आज मुझे लेके जा रही है कानपुर को, और वहाँ पहुँच के आज आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। कि कानपुर में कुछ अपना पर्सनल काम भी है, वो भी निपटा लेंगे, और आज आपको वहाँ का फेमस अनिल मीट दिखाएंगे। हाँ दोस्तों कानपुर चलते हैं और दिखाते हैं, उससे पहले गाड़ी धुलवा लेते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। तो गाइस गाड़ी अपनी धुल चुकी है बढ़िया तरीके से और टाइम हुआ है 4। दोस्तों लेट इसलिए निकले क्योंकि जो काम है वो मेरा कल सुबह का है, तो इतनी जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं था। आज तो सिर्फ अपना काम धंधा ही देखना, आज तो बस ऐसे एंजॉय ही करना था। और साथ में हैं सिद्धार्थ, ये मेरे साथ सिर्फ मौज मस्ती में जा रहे हैं क्योंकि मैं अकेला जा रहा था, और ठीक भी है, दो लोगों की कंपनी है, बात करते करते चले जाएंगे, ब्लॉग भी वो बना देगा थोड़े बहुत मेरे, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं सीधे आपको कानपुर में, रास्ते में दिखाते हैं टूर रोड वगैरह कैसी है कानपुर की, है ना। दोस्तों अभी मेरे रेस्टोरेंट में एक लड़का क्या आदमी है, काम करता है, वो बिल्कुल लॉर्ड पुनीत की तरह लगता है। आपको कभी उसे दिखाएंगे तो अभी उसी की बात, उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसा ही, अच्छा ऐसे, है ना। तो अभी उसको भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी पहुंच गए, देखिए लखनऊ चुंगी अपना मस्त, ये वही देख रहे हैं आप, ये जो वही डिवाइडर है जिसमें गाड़ी घुस गई थी, ये डिवाइडर होने नहीं चाहिए दोस्तों, इतने मजबूत। यहाँ पे वही प्लास्टिक वाले ठीक थे, मान लो कोई भी अननोन आदमी आता है हाई स्पीड में तो सीधे आके इसी में बिल्कुल प्रवेश कर सकता है ना। तो चलिए मिलते हैं कानपुर। तो दोस्तों मौसम काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हैं बादल भी हैं, हल्की हल्की धूप भी निकली है, पानी बरस चुका है, और भी पानी बरसने के आसार दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ पौधे इतने हरे हरे दिख रहे हैं ना, कि आप देख रहे हैं सब धुल गए, बिल्कुल खिलखिलाते हुए मस्त दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो रास्ते में ही है, जो कुछ करेंगे रास्ते में दिखाते चलेंगे आपको। और अभी हम लोग पहुंच रहे हैं सीधे बिलग्राम, ये बिलग्राम जो है हरदोई से 24 किलोमीटर दूर है ना। तो पहुंच रहे हैं बिलग्राम। कानपुर का रूट दोस्तों लखनऊ की अपेक्षा बहुत ही उल्टा रूट है, मतलब ये समझ लीजिए लखनऊ तो आदमी अगर डेली अप डाउन कर सकता है, लेकिन कानपुर बिल्कुल नहीं। तो रूट भी काफ़ी, अब भी मैं खुद जा रहा हूँ, करीब 2-3 साल बाद जा रहा हूँ कानपुर, बहुत सी चीजें बदल गई होंगी वहाँ पे। चलिए देखते हैं वहाँ पहुँच के कि क्या सीन है उसका। अब तो बारात करना इंकार, बार बार देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा। दोस्तों ये बन रहा है आयुर्वेदिक कॉलेज हरदोई का, अभी काम चल रहा है, अभी तो बहुत काम बाकी है इसमें ना। सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आ रहा दोस्तों, ये आ गई है तहसील नगर पालिका परिषद बिलग्राम हरदोई। तो अभी ये बिलग्राम में हम लोग एंटर कर लिए बिल्कुल अच्छे से तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम हुआ है 5:10, कानपुर का सफर शायद यहाँ से अभी 2 घंटे और लगेंगे, और आगे की गाड़ी चल रही है बहुत डिस्टर्ब कर रही है, मुझे वैक्सीनेशन वाली है शायद, तो इसको क्रॉस करते हैं सही मौका देख के, क्योंकि वो भी शायद अपना काम ही कर रहा है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, चाट वगैरह, काफ़ी हलवाइयों की दुकान है इधर, इसको जो खानी है आप लोग फोटो में ही देख लीजिए। कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग तो पीना छोड़ दिया मैंने, इसलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से अच्छा बियर पी लो, वो ज़्यादा सही है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा जहरीली हो।
आजकल क्या कोल्ड ड्रिंक जरूर जहरीली होती ही है। ये टर्न ले लिया हम लोगों ने लेफ्ट, सामने मारुति है टेंडर से अंकल जी आ रहे थे, बिल्कुल देखा नहीं उन्होंने, उनका बस चलता तो वो कुचलते हुए निकल जाते हैं हम, है ना। तो अब बिल्कुल ये रोड देखिए, बिल्कुल मस्त रोड है ना, बिल्कुल चिकनी। और ये रोड जाएगी सीधे कानपुर तो नहीं, हाँ कानपुर नहीं जाएगी अब सीधे ये रोड, तो निकल रहे हैं सीधे और रास्ते भी दिखाते रहते हैं आपको। अब तो आ रहा सबास आ रही बरात, करना इंकार बार बार देना साथ। दोस्तों पहुंच गए हैं माधोगंज और जस्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है लखनऊ पब्लिक स्कूल माधोगंज का, जो कि बहुत ही अच्छा चलता है, काफ़ी अच्छे बच्चे निकलते हैं। अभी दिखा रहे हैं आपको लखनऊ पब्लिक स्कूल। तो ये है दोस्तों लखनऊ पब्लिक स्कूल, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और ये देखिए नई मार्केट बनी माधोगंज भी काफ़ी डेवलप हो गया दोस्तों, देख रहे हैं आप, ठीक अच्छी खासी मार्केट बनी हुई है बिल्कुल LPS के सामने। तो इधर आ रहा हूँ करीब 2018 में आया था, तब से तो आया ही नहीं मैं इस तरफ। दोस्तों मल्लावा बस आने वाला है और एक छोटी सी लघु शंका है, मैं सोच रहा हूँ वो निपटा लेता हूँ, फिर आगे का टूर दिखाते हैं आपको, बहुत ज़रूरी है वो भी, है ना। तो गाइस उन्नाव क्रॉस कर लिया है और रात काफ़ी हो गई है, रोड भी बहुत ख़राब थी, हैवी ट्रैफिक थी, सिंगल लाइन था, लेकिन फिलहाल अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे जो सीधे कानपुर ले जाएगा। और देख रहे हैं आप जैसे कि हम लोग चल रहे हैं अब कानपुर के लिए और हाईवे भी पकड़ लिया है, देखिए काफ़ी अच्छा हाईवे है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधे कानपुर जाएगा। रास्ते में गंगा नदी भी पड़ेगी, हाँ दोस्तों रास्ते में गंगा नदी भी पड़ेगी, वो भी दिखाएंगे आपको, है ना। तो आगे हम लोग चढ़ गए एक्सप्रेस वे पे। तो गाइज दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं गंगा पुल पे और इस पुल के बाद ही स्टार्ट होता है कानपुर। और हम हैं रामा देवी चौराहे पे, यहाँ पे जो रामा देवी चौराहा जो आएगा पहला वो रामा देवी चौराहा ही है। रात है इसलिए आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा इसमें, तो सुबह भी हम लोग जब निकलेंगे दोपहर में तब आपको दिखाएंगे हम कि गंगा पुल पे। और ये दोस्तों पुल जो है ना ये हिलता है, अगर ये अभी गाड़ी में तो पता नहीं चल रहा, अगर आप इस पर खड़े हो जाएंगे ना और पड़ोस से गाड़ी निकलेगी आपके तो ये पुल हिलेगा, है ना दोस्तों। तो चलते हैं अभी अपनी मंजिल की ओर और फिर दिखाते हैं आपको कि क्या करते हैं हम लोग। तो गाइस पहुंच गए कानपुर और जो हमारी मंजिल थी हम वहीं पहुंच गए हैं, मेरा एक भांजा यहां रहता है राज कटियार उसी के यहाँ, और अब वो हम लोगों को लेके जा रहा है अनिल मीट। आज अनिल मीट का मीट खाएंगे और दिखाएंगे आपको व्लॉग में कि अनिल मीट का मीट कैसा है, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये है राज जो मेरे भांजे हैं, और अभी हम लोग हैं किद्वई नगर मार्केट में और अब राज हमें लेके जा रहे हैं अनिल मीट के यहाँ, है ना राज जी। कहाँ पे है अनिल मीट? ये अनिल मीट की जो शुरुआत हुई थी ये गोविंद नगर से हुई थी, उसने सबसे पहले अपने एक कार्ड से शुरू किया था, आज उसकी पूरी स्ट्रीट है। अच्छा। और कानपुर के आसपास भी और इसके बहुत मतलब जानी मानी जगह है ये, ऐसी कोई। चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं वहीं पे और वहीं मैं आपको बताते हैं अनिल। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अनिल मीट, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा अनिल मीट कामने है अनिल मीट, अभी जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख रहे हैं भीड़ देख रहे हैं आप, सब पूरा अनिल मीट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है यहाँ पे, यही है दोस्तों कानपुर का सबसे फेमस अनिल मीट। आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे दोस्तों, ये जो अभी भैया गए हैं यही यहाँ के ऑनर है दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कितनी भीड़ है।
अभी नंबर नहीं आया, देखते हैं कितना टाइम। गाइस ये देख रहे हैं ये पूरा गोल बटन सुना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा कुआं है जो मटन से भरा हुआ है और इसी में से हमें हम लोगों को भी निकाला जाएगा। तो गाइस ये आ गया अपना मटन, ये छोटू का, ये राज का, रुमाली रोटी, चावल, यहाँ पे हर चीज़ का पैसा अलग से है ना। प्याज टमाटर सलाद का पैसा अलग से है 15 रुपये का। और देख रहे हैं आप बहुत बढ़िया पीस है, उसे खाते हैं, उसे खाते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा है इसका। तो दोस्तों मस्त मीट का एक पीस, बहुत मज़े आ दोस्तों, मज़ा आ गया। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं मक्खन सिंह की बिरयानी, जो कि यहाँ की बहुत फेमस है। तो बहुत भीड़ थी दोस्तों, गाड़ियाँ ये देखिए। तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने राज को भेजा है, वो लेके आ रहा है डिस्पोजल प्लेट में। खाना खा चुके हैं इसलिए ज़्यादा नहीं खाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसी है। दोस्तों जाम देख रहे हैं, ये सिर्फ बिरयानी की वजह से जाम लगा हुआ है इतना भयानक। गाइस ये है मक्खन सिंह की बिरयानी, चिकन बिरयानी और मटन आप देख रहे, मटन बिरयानी सॉरी, और ये आप देख रहे हैं मटन चंक्स, इसमें काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये है कुछ शॉप का व्यू, शॉप तो ना कुछ नहीं है खास, लेकिन बिरयानी अच्छी दिख रही है। अभी आपको एक चम्मच इसका खा के दिखाते हैं कैसी है। अंडा लगा ही नहीं है, अंडा लग गया अभी तो, लगा उससे पहले अंडे वाले लगे। लो क्या है ये, मतलब इसके लिए इतनी भीड़ लगी हुई है तो आपको बता देता हूँ मैं। सिंपल बिरयानी है, इसको मतलब खाने में आपको ऐसा फील लगेगा कि कुछ भारीपन खा रहे हैं। फैट मतलब फैट तो कहेंगे ही क्योंकि चावल है, लेकिन ज़्यादा हैवी नहीं है ये, है ना। मसाले बहुत कम है जिसको खाने के बाद आपको लगेगा नहीं कि आपका पेट खराब है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। दिखाते हैं आपको बिरयानी एक बार फिर से, ये देखिए। मतलब ये जो है मटन के बोनलेस पीस ही यूज़ करते हैं, वही इसमें बिरयानी में चावल मिला के, और चावल भी ज़्यादा ठीक है, मतलब इतना अच्छा वो नहीं है चावल, लेकिन खाने में अच्छी है, ठीक है। तो दोस्तों ये है मोती झील, ये है दोस्तों मोती झील गार्डन, और देख रहे हैं काफ़ी डेकोरेशन वगैरह है यहाँ पे। रात की वजह से दोस्तों ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि देर में ही पहुँचे थे, अगर टाइम मिलेगा तो कल सुबह दिखाएंगे आपको। ये जॉगर्स पार्क है, ये इधर जॉगर्स पार्क, और हम लोग खोज रहे हैं आइसक्रीम, आइसक्रीम खाएंगे फिर निकलेंगे घर और सोएंगे जाके, क्योंकि बहुत थक चुके हैं, हद से ज़्यादा थक चुके हैं, बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए अल्टीमेटली वाला थक चुके हैं बिल्कुल। अब सुबह बस नींद और बिस्तर ही दिख रहा है, मैं है ना, क्यों भैया छोटे गलत कह रहे हैं। और ये देखिए इधर बिरयानी चल रही है इनके, और टाबर तोड़ तरीके से ठूसे जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, है ना। ये ऊँट देखा है आपने, है ना, ये देखिए पूरा मेला लगा हुआ है, अच्छा ऊँट पे लगा दिया है, और बहुत बड़ा होता है। और इसके जस्ट सामने है कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये देख रहे हैं आप डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे।